हेलो गाइस, आज स्टार्ट कर रहे हैं नया सब्जेक्ट हीट एंड मास ट्रांसफ़र। इस सब्जेक्ट में जो सबसे पहला टॉपिक है, या ये कह लीजिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो जनरली ये आता है कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा, और सेम हीट ट्रांसफ़र ये सब्जेक्ट का नाम है। तो क्या जो थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफ़र था और जो ये सब्जेक्ट है वो सेम है, सिमिलर है? तो ये टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। तो एक ये ब्लॉक डायग्राम है इसको समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में। सो हीट जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, और वही जो हीट है वो हम HMT हीट एंड मास ट्रांसफ़र में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा हीट की यूनिट जूल्स में होती थी, बट HMT में कहीं भी हीट आती है तो वो वॉट में होती है, मींस जूल पर सेकंड में आती है। सो जूल पर सेकंड मींस एक रेट आ गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो यही कहने का मतलब है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम पढ़ते हैं HMT में, और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, अमाउंट कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, क्यू जूल्स ट्रांसफ़र हुआ है, सो इसको पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। सो इसको लैंग्वेज में देखते हैं। सो इन थर्मोडायनेमिक्स वी डील विद द अमाउंट ऑफ हीट, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डील विद द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। कितनी हीट रिक्वायर्ड है जिससे सिस्टम वन इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाए, मतलब स्टेट चेंज कर ले, चेंज इन स्टेट आ जाए, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। बट इन हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस वी इवेल्युएट एट व्हाट रेट दिस चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, मींस किस रेट पे ये जो स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है सिस्टम। सो ये जो चेंज इन स्टेट है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कितने टाइम पीरियड में हो रहा है, ओके, कि इतने समय में मेरा सिस्टम वन इक्विलिब्रियम स्टेट से सेकेंड इक्विलिब्रियम स्टेट में जा चुका है, ठीक है। उसकी स्टडी किस में करते हैं, हीट ट्रांसफ़र में करते हैं। सो बट इन हीट ट्रांसफ़र एनालिसिस वी इवेल्युएट एट वॉट रेट दिस चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, ठीक है, बाई कैलकुलेटिंग रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।